और छोड़ दें। और आभाति प्राणायाम के तीसरे और स्वरूप प्राणायाम करेंगे। बाएं हाथ की मुद्रा होगा, अंगूठा और कलजनी आपस में मिले हुए बाएं घुटने पर। दाहिने हाथ के अंगूठे को दाहिनी नासिका में रखेंगे। शरीर और मध्यमा को पिट्यूटरी ग्लैंड पर आभ्यंतर पर दोनों भौहों के बीच में नासिका से श्वास भरें और दाहिनी से श्वास छोड़ें। रीढ़ की हड्डी सीधी है। बाएं हाथ की मुद्रा होने पर अर्थात बाएं नाक से श्वास छोड़ते हुए विश्राम करेंगे। पर देखे जाएं, मन की आंखों से दाहिने कच्चे पंजे को देखें। दाहिना घुटना, हाथ, बाया कंधा, गले और हाथों का सहारा लेते हुए बैठ जाएं। दोनों हाथ घुटनों पर धरें और छोड़ दें। कपालभाति प्राणायाम के आज विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आज इस अवसर पर पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामना। ये योग वैसे भारत का प्राचीन योग है, पहले ऋषि मुनि योग किया करते थे। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पूरा विश्व योग कर रहा है और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आज के इस दिवस में पूरा विश्व, भारत ही नहीं पूरा विश्व योग कर रहा है। भारत की जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसको लोग जानना समझना चाहते हैं। यहाँ का एक एक चीज कहीं न कहीं जीवन के उससे जुड़ा रहता है और योग का अर्थ ही होता है जोड़ना। हम स्वस्थ अगर रहना चाहते हैं तो अगर प्रतिदिन अगर योग करें तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रह सकते हैं। मैं इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप मीडिया के माध्यम से पूरे देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित।